फोटो दिखाओ जानी हमारा के कुड़ी टका, रुपया 50 पर जुमाई हमार हो लपा का। शादी का क्या इरादा है? एक नंबर का वो है, मैं खुद याद हूँ, बट अभी बांग्ला खूब भालो बोलते बढ़िया, अभी प्योर बांगली। राजा छूटा था पसीना गर्मी होला, राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला। क्या होता है जब आप किसी चीज से प्यार कर दीजिएगा ना, उसको पाने का चाहत रहेगा। देखिए चोरी करते हुए पकड़ी गई, आप हमको बोल छोड़ दिए पूरा, तो आपको जितना लीची लेना है ले जाइए। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं दी फुल वॉल्यूम। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनकी मैं क्या तारीफ करूं, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम बता रहा हूं, प्रमिला घोष। जी हां, सुपर डांसर प्रमिला घोष जी आज मेरे साथ हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल दी फुल वॉल्यूम में। थैंक यू सो मच फुल वॉल्यूम को और फुल वॉल्यूम देखने वाले सभी सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी की बेटी डांसर बनती है, ये क्या बात है? देखिए मेरे पापा WBP वेस्ट बंगाल पुलिस में थे, SI थे, और मेरे पापा को सपना था कि मैं पुलिस की बेटी है तो मैं भी पुलिस बनूंगी, बट मेरा सपना था कि मुझे हीरोइन बनना है। अब हीरोइन के लिए भी स्टार्ट की, उसके बाद देखा मेरा प्लस पॉइंट है डांस, और डांस में मुझे आगे बढ़ना था, कुछ करना था, तो आगे जाके आइटम डांसर बनने का शौक हुआ। जितने आइटम सॉन्ग्स आते थे, जब बबुआन से हिट होना स्टार्ट हुआ, आहिरान हिट हुआ, एक से एक जब आइटम सॉन्ग्स 2000 हिट हुआ, तो उसके बाद आइटम सॉन्ग्स में ही मेरा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, और जाके अभी 2-3 मूवीज में आइटम सॉन्ग्स की हूँ। एल्बम का अभी उतना नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि काम ज्यादातर चल रहा है तो टाइम नहीं दे पा रही हूँ एल्बम में, बट मूवी का आइटम कुछ कुछ रिलीज होने वाला है आगे जाके, मुझे भी इंतजार है। तो प्रमिला घोष भगवान की है कि अहिरान की है? देखिए मैं तो खुद अहिरान हूँ जी, यादव हूँ मैं। बंगाली में जो लोग दूध का बिजनेस करते हैं, गाय वाय का बिजनेस करते हैं, उन लोग को यादव बोला जाता है, मतलब घोष बोला जाता है, तो हाँ ये जो होता है आप लोग में वो यादव होता है। मैं खुद यादव हूँ, बट मुझे पहचान मिला है बबुआन से। आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ काम किया, किस एक्टर के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, और एक जो कहते हैं ब्रेक मिलना, किसके साथ वो ब्रेक मिला आपको? देखिए ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में मेरा भतीजा थोड़ा मौसी जिंदाबाद से मेरा नाम लोग पहचानने लगे, मगर सबसे ज्यादा प्यार और आशीर्वाद अगर किसी से मिला है तो वो पवन जी से मिला है, और उनको मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखे हैं उनसे। मींस कौन सा वो गाना था जो रातों रात आपको स्टार बनाया? नजर रात भर मिला भगवान से। क्या उसकी दो लाइन गुनगुना सकती हैं? मैं सिंगर नहीं हूँ, मगर इस पे मत जाइएगा, उसके लिए पहले से सॉरी। हॉट दिखाओ जानी हमारा के कुड़ी टका, रुपया 50 पर जुमाई हमार हो लपाका। झूठो अखिया मिलाओ तर टार के, डर निख जाने के, और नजर रात भर मिलाओ बबुआन से, बोरे न मरी ले जाई है ते बांध के। बहुत खूब। अच्छा आप एक बंगाली हैं और बिहार में वो भी भोजपुरी, जो कि बहुत टफ माना जाता है, कितना मुश्किल है आपका ये सफर? अभी आपको मेरे गाने से समझ में आया ना? नहीं, उसमें तो आप लग रहा है प्योर हिंदी बोल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन हमको लग रहा है कि एक बंगाली बिहार में आके भोजपुरी की काम कर रही है, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? देखिए बात ये है ना, क्या होता है जब आप किसी चीज से प्यार कर लीजिएगा ना, उसको पाने का चाहत रहेगा, तो भोजपुरी में काम करते करते कब इससे प्यार हो गया पता नहीं चला। सच बता रहे हैं,
मैं अगर काम नहीं करूंगी ना डिप्रेशन में चल जाऊंगी, ऐसा हो गया। जैसे आप अपने वाइफ से नहीं दूर रह पाएंगे, आप अपने एक पति अपने पत्नी पति से दूर नहीं रह पाएगा, वैसे ही मैं भी इंडस्ट्री से दूर नहीं रह पाऊंगा, ऐसा हो गया। बीच में एक बार कुछ ऐसा समय आपका आया था, आपको लाइव आकर के आपके बारे में कुछ बहुत कुछ सफाई देनी पड़ी थी, वो क्या वाक्य था? थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन मुझसे पूछने के लिए। मैंने सोचा कि पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, मैं अगर ठीक हूँ तो पब्लिक का सपोर्ट जरूर मिलेगा। और मुझे लगा कि अगर मैं लाइव आ जाऊंगी अपनी जगह पे, मैं तो साफ सुथरा रहूं कम से कम। जो भाग गया है, जो मुंह छुपा लिया है, वो छुपा लिया है, हम क्यों छुपे रहेंगे, हम तो गलत नहीं किए। अभी तक तो आप डांस के रोल में ही आती थी, कभी अगर मौका मिले तो क्या लीड रोल में मूवी में आएंगी? देखिए मौका तो मुझे बहुत मिला है, अभी भी मिलता है, बट मेरा एम है, जैसे मेरे आइडल है शमन्ना सेठ जी, हाँ, तो मुझे जाके आगे आइटम डांसर में ही कुछ बनना है, मतलब डांस में ही कुछ करना है, इस लीड रोल में नहीं आना है। लीड रोल के लिए देखिए कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती, हाँ, मगर आइटम सॉन्ग मिलना चाहिए। और आप बंगाल में है, बिहार में काम कर रहे हैं, तो शादी का क्या इरादा है? शादी का तो देखिए सबका अपना अपना चॉइस होता है कि मुझे ऐसा पति मिले, मुझे वैसा पति मिले, तो अब नसीब में जिसका लिखा हुआ रहेगा उसका उसी के साथ होगा शादी। क्या होता है ना, इंसान को सही टाइम पे सही वक्त में वो मिल जाता है अपना हमसफर, और जब मिल जाता है ना तब सब कुछ अच्छा होता है। अब कितना भी डिप्रेशन में रहे, कितना भी टेंशन में रहे, उसका साथ मिल जाता है तो सारा डिप्रेशन सारा टेंशन दूर हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, वैसे इंसान का साथ जरूरी होता है लाइफ में। अच्छा अभी आप अपने बारे में पहले बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप अपने पास्ट फ्यूचर के बारे में पहले बताइए। अच्छा मैंने तो आपको बताया कि मेरे पापा WBP में वेस्ट बंगाल पुलिस में SI थे, और मेरा सपना था मैं हीरोइन बनूं, आइटम डांसर बनूं। तो हीरोइन में मैंने पहले ट्राई किया, तो उसका काम जो होता है वो एक एक महीना का, डेढ़ डेढ़ महीना का काम होता है, और आइटम डांस में क्या होता है 2 से 3 दिन। और मुझे ना झटपट झटपट काम अच्छा लगता है, ये स्टार्ट करो, ये खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट काम में जाओ। तो आइटम डांस ऐसे डांस मेरा प्लस पॉइंट है, तो मैंने अपना रास्ता चुन लिया, मुझे आइटम डांसर बनना है। और बिहार में आने के बाद पहले जैसे प्रोग्राम करती थी, सच बता रहे हैं, मैं स्टार्टिंग की थी उस टाइम मुझे पेमेंट भी नहीं मिलता था, मुझे शौक था परफॉर्म करने का डांस का, तो उस टाइम पेमेंट नहीं मिलता था, 50 रुपए और एक टिफिन बॉक्स मिला था, पहला मेरा प्राइस था। उसके बाद स्टार्ट हुआ, जब टीचर के पास सीखने जाती थी, वहां पे मैंने क्लासिकल सीखा था बचपन में, तो वेस्टर्न का शौक था, वेस्टर्न भी करना है मुझे, तो एक वेस्टर्न टीचर मैंने लिया अपने लिए, तो उनके साथ प्रोग्राम में जाती थी, तो वो देते थे 500 रुपए, और हमको लगता था ना उस टाइम का 500 मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। हाँ 100 रुपए पापा को देना है, 100 रुपए मम्मी को देना है, 100 रुपए का मुझे ये सामान लेना है, और 100 रुपए जमा करना है, ऐसे मतलब हिसाब हो जाता था मेरा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा ऐसा कुछ। अच्छा उसके बाद ग्रुप में जैसा क्या होता है खटपट होता है, फिर हम लोगों में बॉन्डिंग ठीक नहीं रहा, ये उधर हो गया, वो अपना डांस क्लास खोल लिया, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मॉडलिंग का लाइन चूज किया, फिर ग्रूमिंग क्लास ज्वाइन किया। अब ग्रूमिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद वहां से मॉडलिंग का ऑफर मिलने शुरू हुआ, वो जो एलिट आपका है, उसके बाद सत्येंद्र जो सत्तू है उसका ब्रांड एम्बेसडर थी मैं, तो वहां से स्टार्ट करके मुझे लगा कि मैं आगे जाके कुछ बन सकती हूँ, कुछ बढ़ सकती हूँ, अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा। तो फिर आई बिहार में फर्स्ट शो करने, स्टेज शो था फर्स्ट शो यहाँ गांधी मैदान मेमोरियल हॉल, श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल, वहां पे मैंने पहला प्रोग्राम किया, इंदू सोनाली जी थी, होली मिलन उत्सव था, और वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, और उनका उस टाइम एक गाना हिट था,
पहिया पकड़ के भरी अखबारी, चूमे लहुटवा गुलाबी, कैसे कहे हम अपन दुखवा, सैया मिलल बा शराबी। सुतेला संगवा खटिया पे, वो गाना उस टाइम उनका हिट था, तो होली मिलन उस सब में मैंने उनके गाने पे फर्स्ट टाइम उनके साथ मैंने डांस किया था। तो उनको मेरा डांस इतना अच्छा लगा, उनको उन्होंने बुला के मेरा नाम पूछा। फर्स्ट टाइम उनके गाने में मुझे चांस मिला, एक एल्बम किया, वहां से फिर स्टॉप हो गया, वहां से मुझे फिर कोई काम वाम नहीं आया। अचानक एक साल बाद सुशांत चंदन जी थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे फोन किया कि आप ही प्रमिला घोष है। अब मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो गुंजन जी के एल्बम में हम लोग चाहते हैं आप काम कीजिए, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। बबन टोलिया हिट हुआ और भी बहुत सारे गाने वहाँ से हिट हुए गुंजन जी के साथ। जैसे चलते गए इंडस्ट्री में आए हुए कितने दिन हो गए आपके? 2 साल 2.5 साल। आपकी अभी अपकमिंग कोई मूवी या एल्बम आने वाली है? हाँ एक्चुअली यह जो अभी मूवी निकला है पवन जी का, उसमें हम रोमर तुम्हारे के लग जाए, उस गाने में मैंने कुछ काम किया था रवि किशन जी के साथ। तो उस मूवी में पवन जी हमको फर्स्ट टाइम मिलवाए थे, तो उसी के बाद मैं अपने जो इंडस्ट्री होता है भोजपुरी, मैंने अपने आंखों के सामने देख लिया वो एक ही गाने के शूट में। मैं सिंगल पलंगिया का शूट करने गई थी, उस टाइम मैंने पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री देख लिया, और इतना प्यारा होता है, इतना अच्छा बॉन्डिंग आप सोच नहीं सकते हैं एक आर्टिस्ट का कैसा बॉन्डिंग होता है। रवि किशन जी और पवन जी सच में इतने अच्छे उस मूवी में, आप लोग देखिएगा मेरा भारत महान अभी रिसेंट निकला है, इतना अच्छा आप लोगों को लगेगा उन लोगों का बॉन्डिंग आप देख के ना, मूवी में कुछ और, सीन में कुछ और सामने जैसे बैठे हुए हैं ना, इतने मतलब लगेंगे कि 2-3 साल मतलब 10 साल पुराने फ्रेंड है, ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों अपने अपने में स्टार है, कोई घमंड नहीं कुछ नहीं, इतना अच्छा मुझे लगा वहां से, मैं इंस्पायर हो गई सर से। कभी इंडस्ट्री में किसी ने ऐसा धोखा दिया जो आपके दिल पे एक जख्म कर दिया हो? धोखेबाज लोगों का कमी नहीं है, तो धोखा लोग, मैं इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ धोखेबाज लोग इंडस्ट्री में भी धोखेबाज लोग है, और उन्हीं के चलते इंडस्ट्री भी बदनाम होता है। सब अच्छे इंसान नहीं होते हैं, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, अगला अच्छा होगा क्या नहीं होगा वो आप गारंटी देके नहीं बोल सकते, तो धोखेदार के इंसान का तो कमी है नहीं। कोई एक वाक्य है जो? हाँ मैं वही बता रही हूँ, आजकल क्या होता है लोग पेमेंट बोलते हैं कि फंस गया है, 10 दिन बाद दे देंगे, रुक जाइए, 5 दिन बाद दे देंगे, 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, 1 महीना बीत जाता है। तो मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहूंगी जो लोग पैसा रोकते हैं कि आप 10 दिन बाद पेमेंट देने के लिए बोलते हैं, तो हम भी काम भी 10 दिन बाद ही करेंगे क्या? हम पहले से मेहनत करके क्यों बैठे रहे? एडवांस में तो कोई पेमेंट नहीं करता है, तो हम काम एडवांस देके क्यों बैठे रहे? कभी आपका भी पैसा फंसा है क्या? हाँ मैं अगर नाम लूंगी तो ये इंडस्ट्री का मतलब सबसे बड़ा एक नंबर का वो है, नाम लूंगी तो खुद शर्मा जाएगा। अच्छा अभी जो आपकी अपकमिंग जो आ रही है वो उसके बारे में कुछ बताएंगे जो? हाँ अभी आ रहा है 3 ठग। किसके साथ? गुंजन सिंह के साथ। अच्छा अभी गुंजन जी का ही 2 मूवी रिलीज होने वाला है, वो दोनों पहले ही रिलीज होगा, तो उसमें भी आइटम्स। हाँ दोनों में आइटम्स। कैसा लग रहा है गुंजन जी के साथ काम करके? नहीं हाँ क्या होता है आइटम सॉन्ग बाद में शूट होता है, तो हम लोग का एकदम स्टार्टिंग में या तो हो जाता है या तो मूवी के लास्ट में होता है, तो जो विलेन लोग मैक्सिमम सॉरी जो विलेन लोग रहते हैं उन लोगों के साथ ज्यादा मिलते हैं हम लोग। हीरो का हो सकता है एंट्री बाद में होता है, हीरो का शायद एंट्री पहले हो जाता है, मतलब रहते हैं स्पॉट पे बट काम नहीं करते साथ में,
ऐसा होता है, दोनों मूवी में सेम हुआ, हो सकता है कि सीन अलग था बट सेम हो। और डांस के अलावा प्रमिला घोष को क्या क्या पसंद है और क्या करना आता है? राइडिंग, राइडिंग हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, सब कुछ। मुझे आप हॉर्स राइडिंग करते हुए देख लीजिएगा तो आप शॉक्ड हो जाइएगा। मेरे पापा ने सिखाया था बचपन में, वो नॉर्थ बंगाल पुलिस थे पहले, नॉर्थ बंगाल में उनका पोस्टिंग था, तो वहाँ के जितने सब पुलिस है ना पहले घोड़ा लेके जाते थे, और पापा का जो घोड़ा था उसका नाम था कृष्णा, मैंने उसी पे राइडिंग करना सीखा। जब बड़ी होती है वो भी मेरे साथ बड़ा, मतलब मेरे साथ इतना अच्छा उसका वो हो गया, दोस्ती हो गया, उसको लेके भागती रहती थी। बड़ा मतलब ग्राउंड जो है तो होता है जेल के अंदर बहुत बड़ा होता है, तो और वहाँ का बहुत बड़ा जेल है, उसी के अंदर में 5 जेल है, सेंट्रल जेल है वो, तो वहां पे भागती रहती थी। भागते हुए तो ना हॉर्स राइडिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ गया, और जब वहां से आगे पोस्टिंग हो गया पापा का तो बहुत मिस करती थी, दोस्त बन गए थे, सब बन गए थे। ऐसे ही होता है पोस्टिंग के नौकरी में, दोस्त बन जाते हैं, फिर वहां से जाके एडमिशन लेना पड़ता है, फिर वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके वहां जाके एडमिशन लेना पड़ता है, ऐसे होता है। हॉर्स राइडिंग और डांस के अलावा प्रमिला का और क्या क्या? ड्राइविंग। खाने में क्या पसंद है? ये मैं पर्सनल आपसे पूछ रहा हूँ। पिज्जा। खाना बनाना शौक नहीं है? हाँ, खाना बनाना पहले क्या होता था ना, अकेले रहती थी, अब अकेले रहते रहते जोमैटो वगैरह तो ऑर्डर हो ही जाता था, तो खाने में उतना ध्यान नहीं दिया, और जब बनाने का जरूरत पड़ गया तब देख रहे कि बनाने आता ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते सीख गए YouTube देख के, YouTube जिंदाबाद। अकेले में प्रमिला घोष कौन सा गाने का गुनगुनाना पसंद करती है? हमको अभी खेसारी जी का एक गाना अच्छा लग रहा है, कोका कोला, उसकी दो लाइन आप गुनगुना सकती हैं? स्टार्टिंग लाइन क्या था? काहे तुम्हार भोरे से लटकल बलोला हो, लटकल बलोला रज सुनी राजा छूटा ता पसीना गर्मी होला, राजा छूटा ता पसीना गर्मी होला, राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला। आप तो भोजपुरी बहुत अच्छा बोल लेती है, बंगला भी इतना अच्छा बोल लेती है। हाँ, अभी बांग्ला खूब भालो बोलते बड़ी, अभी प्योर बांगाली। और अभी आपका क्या क्या ड्रीम है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो अभी आपको करने की इच्छा है? देखिए मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे एक बार मालदीव जाना है, और चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो शौक है एक बड़ा आइटम सॉन्ग मिले पवन जी के मूवी में, बस पवन जी के साथ ही एक बड़ा आइटम सॉन्ग मिले। हाँ, उनकी मूवी का। तो हम पवन जी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पवन जी अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज एक बार प्रमिला जी को आप अपने चैनल, आप अपने मूवी में एक बड़ा सा आइटम सॉन्ग जरूर दीजिए। मैं तो उनसे खुद रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ। नहीं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं सब आर्टिस्ट को, तो यही उनका बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि हम पावर स्टार है तो तुम नहीं, न्यू आर्टिस्ट हो, ऐसा फील ही नहीं होने देंगे। उनको भी काम करने में कोई आशा, कोई दिक्कत ना हो, सब आसान हो जाए उनके लिए, क्योंकि सब लोग लड़के लोग क्या होता है पवन सर को देखे पहली बार घबरा जाते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो पहली बार मेरे साथ वैसा हुआ था, पहला गाना था नजर ना, सॉरी राजा जी अपना धनिया से रूसल वाली का, तो उस टाइम एक वो उसमें शूट हुआ था घर पे ही, उनका दीपक जी का घर था दोस्त का, तो उसी में शूट हुआ था, तो उनको देख के हम पहले थोड़ा सा घबरा घबरा गए, कैसे करेंगे नहीं करेंगे सोचने उसने लगे, फिर उन्होंने बात जब किया ना तब जाके मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होके काम कर पाई, नहीं हो पाता है सबसे जाके। सबसे पहला ब्रेक आपको किसने, पवन सिंह ने दिया था या किसी और ने दिया था? खेसारी जी ने। कौन से
उनकी मूवी थी या एल्बम थी? एल्बम था भतीजा तेरा मौसी जिंदा रहा। उसकी दो लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए। मेन लाइन गा देती हूँ मैं, भतीजा तोरा मैया जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। खेसारी जी का ये जो सुनता है जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मैसेज देना यही चाहेंगे कि बहुत ही प्यारे हैं, इनके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इनके साथ हम पहली बार बात कर रहे हैं, और इनका मेहनत जो है हम कल से देख रहे हैं। कल मेरा थोड़ा सा सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कल लेट देके भी नहीं आ पाई, कल से ये बहुत परेशान थे। जब आज आ गई मैं, ये देख के इनका जो स्माइल निकला, मुझे जो बोले प्रमिला जी सच में आप आई तो अच्छा लगा, सच में मुझे आके भी बहुत अच्छा लगा। तो इनको बहुत सारा प्यार दीजिए, इनके मेहनत को सपोर्ट कीजिए, और मैं चाहूंगी माता रानी से दुआ करूंगी आपके चैनल में लाखों लाखों सब्सक्राइबर हो, जिसके लिए आपको टेंशन ना लेना पड़ेगा। चलिए प्रमिला जी, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी, और आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगी, मुझे अच्छा लगा इतना आपसे मिलके, इसके लिए आपको धन्यवाद।